गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। स्टॉक्स टू वॉच पे मैं सुचि रूंगटा आप सबका स्वागत करती हूँ। लास्ट वीक मार्केट एक्चुअली 17,800 और 18,100 के बैंड में मूव करता रहा, वेयर एज यूएस इंडाइसेस में हमने देखा कि एक अच्छी खासी रैली देखी। डाउ अपना 200 डीएमए को प्रोटेक्ट किया, 32,500 का जो इम्पोर्टेंट लेवल था उसको प्रोटेक्ट करके वहां से एक अच्छा रैली हमने देख ने को मिला। इनफैक्ट जो डॉलर इंडेक्स है वो 103.5 का जो क्रुशियल सपोर्ट था उसको ब्रेक करके अभी 102 के आसपास ट्रेड कर रहा है। सो अगेन डॉलर इंडेक्स में जब वीकनेस था तो ऑब्वियसली इंडियन इक्विटी मार्केट्स और रादर इक्विटी एज ए मार्केट एसेट क्लास के लिए पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है। अगर हम इकोनॉमी की डेटा देखें, इन्फ्लेशन डेटा इंडिया में एक्सपेक्टेशन से बेटर आया, और अगर हम रिजल्ट सीजन आ गया है तो जितने भी टेक जायंट्स हैं, इंफोसिस, टीसीएस, एचसीएल टेक, दे ऑल हैव कम आउट विद गुड रिजल्ट्स, बेटर देन द मार्केट एक्सपेक्टेशन। तो ये सारी ही अगर चीजें को हम कंबाइन करें, सो व्हाट नेक्स्ट मार्केट में प्राइस एक्शन वाइज व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो पे। निफ्टी और बैंक निफ्टी पे एक डिटेल व्यू लेंगे और साथ ही कुछ स्टॉक स्पेसिफिक सेटअप्स डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरे एंड तक देखिएगा। तो सबसे पहले अपना स्क्रीन शेयर करना चाहूंगी और निफ्टी पर एक डिटेल व्यू डिस्कस करते हैं। राइट, इनफैक्ट प्रेशियस मेटल्स की अगर हम बात करें तो गोल्ड अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है एंड इट हैज सीन क्वाइट अ बिग रैली। तो चलिए सबसे पहले हम वीकली चार्ट पे चलेंगे निफ्टी के, और ये देखिए यहाँ पे अगर देखें तो निफ्टी वीकली चार्ट पे एक डोजी पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है। सो व्हाट इज दिस सिग्निफाइंग? डोजी का मतलब होता है आफ्टर अ फॉल, अ डोजी इज बेसिकली कंफ्यूजन, अ फाइट बिटवीन बुल्स एंड बेयर। सो मार्केट ऊपर गया इस रेंज तक, उसके बाद वापस नीचे 17,800 का लेवल नहीं ब्रेक किया। सो कॉन्स्टेंट फाइट बिटवीन बुल्स एंड बेयर्स एंड अल्टीमेटली इट हैज ओपन्ड एट द सेम लेवल वेयर इज इट हैज क्लोज। सो मार्केट हैज मूव विद इन अ रेंज। नाउ दिस डोजी का रेंज वंस इज ब्रीच्ड, मतलब अगर ये यहाँ से 17,800 का सपोर्ट को रिस्पेक्ट करते हुए अगर यहाँ से हमें रिवर्सल देखना है, सो अनलेस एंड अनटिल द डोजी हाई इज टेकन ऑफ व्हिच इज 18,141, इसके ऊपर हमें कंफर्मेशन मिलेगा। टिल दैट टाइम इट इज अगेन अ कंफ्यूजन एंड अ फाइट बिटवीन बुल्स एंड बेयर्स। नाउ द ब्यूटी इज व्हेन आई प्लॉट द मूविंग एवरेजेस, तो ये अगर आप देखेंगे तो 21 पीरियड मूविंग एवरेज के पास निफ्टी 4 वीक से कंसोलिडेट कर रहा है। मार्केट इज नॉट ब्रीचिंग दिस लेवल आल्सो। सो कमिंग टू द डेली चार्ट्स एंड सेटअप नाउ, जैसा कि हम जानते ही हैं ऑलरेडी, एक बार इस चार्ट पे चलते हैं। जैसा कि हम ऑलरेडी जानते हैं कि 17,800 एक इम्पोर्टेंट लेवल है रिस्पेक्ट करने का, और मल्टीपल टाइम्स पिछले 1 महीने में ये लेवल टेस्ट हो चुका है। तो अगर बेयर्स आर एक्टिव नाउ अकॉर्डिंग टू दी साइकोलॉजी, लुकिंग एट द ब्रेथ सेटअप एंड एवरीथिंग, द बेयर्स नीड टू ब्रेक दिस नेक्स्ट वीक, विद इन नेक्स्ट वीक टू गो बिलो दैट। इफ द बेयर्स आर अनसक्सेसफुल टू ब्रेक दिस लेवल विद इन अ वीक और सो, देन द पॉसिबल चांसेस ऑफ रिवर्सिंग हियर इज मच मच हायर। करंट सेटअप इफ यू आस्क मी, डेली चार्ट सेटअप एवरेजेस के अभी भी नीचे है। आरएसआई में एक बहुत स्लाइट पॉजिटिव डाइवर्जेंस हमें चार्ट्स पे दिख रहा है। एमएसईडी अभी भी सेल मोड पे है। जो ब्रेथ है ओवरऑल मार्केट में वो पहले से इंक्रीज हुआ है। सो अनलेस एंड अंटिल हमें एक प्राइस कंफर्मेशन नहीं मिलता है विच इज द हाई ऑफ द प्रीवियस वीक 18,140,
टिल दैट टाइम वी के नॉट एक्सपेक्ट दैट देयर विल बी अ रिवर्सल, इवन दो हमारा जो ग्लोबल फैक्टर्स है वो सपोर्ट कर रहा है, इवन दो हमारे जो रिजल्ट्स आए हैं वो फेवरेबल आए हैं. इनफैक्ट अगर हम रिलायंस इंडस्ट्री की चार्ट देखें तो दैट इज एट अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट. आई लाइक टू शो यू रिलायंस इंडस्ट्रीज ऑल्सो. काफी सेल ऑफ था लास्ट वीक और यहाँ पे ये जो बड़ा पैटर्न था उसके ट्रेंड लाइन पे एग्जैक्टली सपोर्ट, और यहाँ पे ये भी सपोर्ट लाइन पे एक हैमर कैंडल पैटर्न बना है विच इज अ बुलिश रिवर्सल पैटर्न. अगेन यहाँ पे कंफर्मेशन कब मिलेगा? ओनली अबव द हाई ऑफ दिस हैमर. सो लुकिंग एट रिलायंस, लुकिंग एट द आईटी सेक्टर, लुकिंग एट ऑटो सेक्टर, मेटल्स, पॉसिबल रिवर्सल बट ओनली आफ्टर अ प्राइस कंफर्मेशन. द बेयर्स विल गेट अ एक्स्ट्रा मोमेंटम ऑन द डाउन साइड बिलो 17,800, क्योंकि करेंटली हमारा ट्रेंड तो ऑटोमेटिकली डाउन ही है. जस्ट दैट की 17,800 इज बीइंग प्रोटेक्टेड बिकॉज इट इज एन इम्पोर्टेंट लेवल. वंस दिस लेवल इज ब्रोकन द ट्रेंड विल कंटिन्यू ऑन द डाउन साइड. तो ये तो हुआ निफ्टी का क्लैरिटी. लेवल्स की बात करें तो अगेन आई एम रिपीटिंग, सपोर्ट विल बी 17,800 एंड वंस 17,800 गेट्स ब्रोकन द 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का जो लेवल है 17,500 एंड ये 17,400 का जो जोन है विच विल एक्ट एज अ सपोर्ट, नेक्स्ट सपोर्ट. रेजिस्टेंस की अगर हम बात करेंगे तो 18,140 एंड 18,260 विल बी कंटिन्यू टू बी इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस ऑन निफ्टी. कमिंग टू बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी अगेन जो पहले कंस्टेंटली मार्केट में आउट परफॉर्म कर रहा था अब अंडर परफॉर्म करने लग गया है, और वीकली चार्ट पे बैंक निफ्टी भी एक डोजी पैटर्न बनाया है ऑन इट्स 13 पीरियड मूविंग एवरेज. सो अगेन फॉर बैंक निफ्टी 41,600-700 का जो जोन है एक बहुत इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन है. बेसिकली द ओवरऑल मार्केट इज एट अ वेरी इंपॉर्टेंट कस्प लेवल की इट्स अ मेक और ब्रेक लेवल वेरी ऑनेस्टली. सो वी डू हैव अ हिंट दैट वी मे सी अ पुल बैक फ्रॉम दीज लेवल्स बट ओनली बियॉन्ड अ प्राइस कॉन्फर्मेशन, राइट. सो बैंक निफ्टी दो कंसेक्यूटिव हैमर पैटर्न्स डेली चार्ट पे बनाया है एंड देन वी सॉ सम पॉजिटिविटी ऑन फ्राइडे बट इट स्टिल ट्रेड्स बिलो द मूविंग एवरेजेस टिल द टाइम डेली चार्ट्स पे ये 42,700 के ऊपर कन्विंसिंगली ट्रेड नहीं करेगा. बैंक निफ्टी का प्रॉपर ट्रेंड रिवर्सल और दिस कंसोलिडेशन विल नॉट बी एक्सपेक्टेड टू गेट ओवर. सो अगेन 42,700 is an important level to watch out for any bullish confirmation on bank nifty. नीचे में 41,700 remains an important support. So if nifty has to break 17,800, it will be most likely led by banks which will break 41,700. So bank nifty के ये important levels हैं. Now coming to stocks, today we will not be talking about too many stocks. When I look at IT sector itself, IT sector का main results आ गया है and let me just plot the chart and I'll show you. So IT stocks अगर आप देखें तो let me just remove these averages for a better. तो IT stocks को अगर आप देखें तो 29,000 का एक important resistance है बट इट इज ट्राइड शोइंग स्ट्रेंथ द इंटायर आईटी स्टॉक. इसका जो आरएस है ये भी इम्प्रूव हो रहा है जस्ट दैट ये जीरो लाइन के ऊपर गया है. सो आईटी सेक्टर विल प्रोबली रिवर्स ओनली अगेन द सेम थिंग बियॉन्ड अ प्राइस कॉन्फर्मेशन ऑफ 29,000. सो अ क्लोज बियॉन्ड 29,000 विल गिव अ कन्फर्मेशन ऑफ आईटी सेक्टर टू बी अ पॉसिबल रिबाउंड. Now looking at stock specific, whether we take TCS, the Infosys, उनमें काफी पॉजिटिविटी डेली चार्ट्स पे डेवलप हो गई है. आज अगर स्टॉक की बात करेंगे तो HCL Tech looks quite positive. Now the reason why it looks as a positive structure is कि ये 200 exponential moving average के पास एक अच्छा बेस बनाया है and now I see मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस ऑफ द थ्री शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज विच इज अ पॉजिटिव साइन एंड वॉल्यूम इज सपोर्टेड. हमारा प्राइस एक्शन के साथ वॉल्यूम काफी सपोर्ट है और ये जो गैप का जो लेवल था
उसके ऊपर हम लोग को क्लोजिंग मिला है फ्राइडे को। तो ओवरऑल एचसीएल टेक का सेटअप, नाउ आरएस अगर हम देखेंगे तो आरएस इसका पॉजिटिव है बोथ ऑन द शॉर्टर टाइम फ्रेम ऑफ 21 पीरियड एंड 55 पीरियड। और अगर हम इसका आरएसआई का सेटअप देखते हैं सो दैट इज आल्सो अबव 50 एंड एमएसीडी इज इन द बाय मोड। सो ओवरऑल एचसीएल टेक्स लुक्स गुड फॉर अ स्विंग ट्रेड। स्टॉक कैन टेस्ट 1100 लेवल्स। एंड अगर रिस्क रिवॉर्ड की बात करें तो जो फ्राइडे का लो है वो एक इमीडिएट सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। 1041 एंड 1021, दीज आर द टू इम्पोर्टेंट सपोर्ट ऑन एचसीएल टेक। तो ओवरऑल इन द आईटी स्पेस आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स आर लुकिंग गुड फॉर अ पॉसिबल रिवर्सल। सो एचसीएल टेक लुक्स गुड, आप इस पे ध्यान दे सकते हैं। दूसरा सेक्टर जो मैं डिस्कस करना चाहूंगी वो है मेटल सेक्टर का। सो ओवरऑल मेटल हैज बीन द स्टार परफॉर्मर इन दिस एंटायर रैली। वन ऑफ द मेन रीजन इज द डॉलर इंडेक्स, क्योंकि डॉलर इंडेक्स कमजोर हो रहा है तो मेटल इंडेक्स पे इसका एक फायदा रहता है। सो मेटल इंडेक्स अपने हाई के पास ट्रेड कर रहा है इवन आफ्टर अ शॉर्ट पुल बैक, ये बाउंस बैक किया है एंड इज लुकिंग वेरी राइप टू टच न्यूअर हाई। सो वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स इज मेटल्स। आरएसआई इज वेरी वेरी पॉजिटिव, अगर आप देखेंगे तो बुलिश मोमेंटम, 50 के नीचे ये गया ही नहीं, कंसोलिडेट करके वापस ऊपर की तरफ जा रहा है। एंड एमएसीडी जो है, इट जो डिफरेंस बिटवीन अ सेल है वो लिटरली माइन्यूट होके अगेन ये बाई की तरफ आ गया। सो एमएसीडी इज ऑल्सो गुड। सो इट इज अ क्लियर इंडिकेशन दैट बुल्स आर नॉट लेटिंग द मोमेंटम ऑफ द मेटल इंडेक्स डाई, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द सपोर्ट ऑफ द डॉलर इंडेक्स। सो अंडर द मेटल सेक्टर ऑब्वियसली द स्ट्रॉन्ग स्टॉक था जेएसडब्ल्यू स्टील, इवन टाटा स्टील लुक्स वेरी राइप। आई वुड लाइक टू डिस्कस अबाउट वेदांता। वेदांता हैज बीन अगेन वन ऑफ द आउट परफॉर्मर्स ऑफ द स्टॉक मेटल इंडेक्स एंड दिस इज मल्टीपल स्विंग हाइज के कस्ट पे है ये स्टॉक। सो लुकिंग एट द इंडिकेटर्स यहाँ पे एक पैटर्न फॉर्मेशन भी हो रहा है। आरएसआई इज पॉजिटिव, एमएसीडी इज इन द बुलिश मोड, आरएस इज पॉजिटिव कंसिडरिंग टू द एनएसई 500। सो वेदांता लुक्स पॉजिटिव। एनी मूव बियॉन्ड 320 विल टेक द स्टॉक टू 350 लेवल्स। नीचे में अगर सपोर्ट की बात करें तो 300 एंड 307 विल एक्ट एज इम्पोर्टेंट सपोर्ट ऑन वेदांता। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आई वुड टॉक लाइक टू टॉक अबाउट जीएमआर इंफ्रा स्टॉक के बारे में। नाउ जीएमआर इंफ्रा इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक में फंडामेंटली इट हैज बीन डूइंग गुड एंड हमें यहाँ पे एक छोटा पैटर्न ब्रेक भी मिल रहा है। सो जीएमआर इंफ्रा फंडामेंटली लुकिंग गुड, यहाँ पे काफी फॉल आके अच्छे से कंसोलिडेट करके जीएमआर इंफ्रा हैज टेकन अप द अपवर्ड मोमेंटम बाय क्रॉसिंग द प्रीवियस हाई। और हम अगर मोमेंटम इंडिकेटर्स की बात करें तो ये भी पॉजिटिव है। अगेन रिस्क इज वेरी स्मॉल, 39.8 39.5 इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ऑन जीएमआर इंफ्रा एंड ऊपर में ये 43 44 लेवल्स इज द मिनिमम लेवल्स व्हिच द स्टॉक कैन टेस्ट। तो रिस्क रिवॉर्ड वाइज अगेन जीएमआर इंफ्रा लुक्स पॉजिटिव। तो दोस्तों जस्ट टू कंक्लूड, 17,800 इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ इट हैज टू ब्रेक इट शुड बी ब्रेकिंग विद इन द नेक्स्ट 2-3-5 सेशंस, बिकॉज जितनी बार वो वहां पे टेस्ट करता है उतनी बार वो सपोर्ट का लेवल स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं। सो ऑल आईज ऑन 17,800 एंड पॉसिबल वी कुड सी सम रिवर्सल फ्रॉम हियर एंड द प्राइस कंफर्मेशन ऑफ मूव बियॉन्ड 18,140 विल गिव अस दैट कंफर्मेशन। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।